हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ नाजिया। तो क्या आप लोगों को भी विंटर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड खाने में मज़ा आता है? एक्चुअली हम लोगों को बहुत मज़ा आता है एक्सपेरिमेंट करने में। मैं आजकल जैसे यूट्यूब पे एंड शॉर्ट्स पे देखती हूँ ना कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, हर तरीके के नए नए तरीके के लोग रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं। मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है नए तरीके की रेसिपीज़ ट्राई करने में। मैं भी इंटरनेट पर देख के उसे ट्राई ज़रूर करती हूँ, एक बार एक्सपेरिमेंट करती हूँ। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आपको पता ही कैसे चलेगा, राइट, कि ये कैसा लग रहा है खाने में या कैसा है। तो कुछ दिनों पहले ना मैंने कुछ सॉसेज मंगाए थे और उसकी मैंने एक वीडियो भी डाली थी, अगर आप लोगों को याद होगा, शॉर्ट्स वीडियो डाली थी। एंड बहुत ही डिलीशियस थे, मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैंने मार्केट में अभी तक इस टाइप के सॉसेज नहीं देखे हैं जो कि आपके बोरिंग फूड को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, राइट। तो उनमें से एक फ्लेवर तो मैंने रिपीट करा जो कि मेरा अल्टीमेट फेवरेट है, एंड दो मैंने और भी नए ट्राई किए हैं कि चलो इसे ट्राई करते हैं। एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये कि ना गाइस, आप लाइक इसे अपनी प्लेन चपाती के साथ खा सकते हो स्प्रेड करके, एंड सैंडविच बना सकते हो, सॉसेस, पिज़्ज़ा, एंड अपने आप लाइक अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप अपने नॉनवेज के साथ एज अ सॉस इसे यूज़ कर सकते हैं, एंड पास्ता में आप इसे मिक्स करके डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर इन्वेंट कर सकते हैं। बहुत कुछ लाइक इतनी सारी रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं आप, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, इनके सारे फ्लेवर्स बहुत ही डिलीशियस हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि ना सेम ही फ्लेवर मिलेगा, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर मिलेंगे और बहुत ही टेस्टी है। और गाइस, मैं ना वीडियो बनाते बनाते अभी देख ही सकते हो कि मैं खा रही थी, आप नाचोस के साथ खा सकते हो। एंड जो मैं फेवरेट फ्लेवर की बात कर रही थी वो ये है मेरा, बहुत ही टेस्टी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, जब ट्राई करोगे तो पता चल जाएगा। तो गाइस क्या होता है, जैसे हम लोग कभी ब्रेकफास्ट में बहुत लेट हो रहे हैं तो मैं फटाफट से बस ब्रेड के बीच में आलू रखती हूँ, एंड अपना जो भी मेरा फेवरेट सॉस होता है वो लगाती हूँ, स्प्रेड करती हूँ, एंड यू आर गुड टू गो, मतलब खा लो फटाफट से यार। एंड कभी भी भूख लग रही है तो रोटी में स्प्रेड करके खा लो, राइस आपके लेफ्ट ओवर राइस बचे रहते हैं उसमें थोड़ा सा डाल के सौते करके खा लो, बहुत टेस्टी लगता है गाइस। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सारी रेसिपीज़ बन सकती हैं। तो हाँ, अगर जैसे कभी टाइम नहीं है आपके पास तो भी आप अपने इसे डिफरेंट तरीके से, जैसे मैं अभी नाचो से खा रही हूँ, तो आप लोग भी इसे प्लेन जो वेफर्स आते हैं उससे भी खाओगे तो बहुत टेस्टी लगता है। तो गाइस, इस बार ना मैंने दो नए डिफरेंट फ्लेवर मंगाए हैं, तो उसमें से एक है, ये है सोसिया फेयर का थाई लाइम एंड बेसिल सॉस, एंड थोड़ा सा ये टैंगी लगता है लेकिन बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है। लाइक आप इसे अपने स्टार्टर फूड जो होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हो एज अ सॉस, और आप इसे मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि अपनी रोटी पे, पराठा पे भी आप इसे रोल करके खा सकते हो, तो ये बहुत ही टेस्टी है, ट्राई ज़रूर कर लेना। एंड यहाँ पे सेकेंड फिर मैंने एक ऑर्डर किया था, ये है शेज़वान केचप। शेज़वान मेरे पास ख़त्म हो रहा था तो मैंने सोचा चलो एक बार शेज़वान केचप मंगाते हैं, एंड ये ना बहुत ही डिफरेंट टाइप का मुझे लगा, जैसे कि जो शेज़वान सॉसेज होते हैं ये वो नहीं है, ये शेज़वान केचप है, इसलिए ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। एंड आप इसे लाइक एज अ केचप के तरीके से जो भी आपका फूड है जिसके साथ आप खाना चाहते हो तो आप इसे खा सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर किया था मैंने शेज़वान केचप, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ सॉस है ये, ज़रूर ट्राई करना इसे। इसे आप लाइक अपने प्लेन नूडल्स अगर आप बनाते हो, लाइक मैगी ही ले लो, मैगी में अगर थोड़ा सा डालोगे ना बहुत ही आपके मैगी के फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। मैं ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्राई करके खाती रहती हूँ। एंड आप इसे अपने प्लेन वेफर्स के साथ, जो पोटैटो चिप्स होते हैं उसके साथ भी ट्राई करो यार, बहुत ही मज़ा आएगा, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये है चीज़ी शेडर, एंड बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर है ये, एंड मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसे मैं हर एक खाने पे
ट्राई करती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे। एंड गाइज ये थोड़ा सा ना लाइक आप लोगों को चीज़ी फ्लेवर में मिलेगा, लाइक ना तो स्पाइसी है एंड ना तो ये टैंगी है, बिल्कुल सेटल सा टेस्ट है इसका, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे। एक पहले भी मंगवाया था, एक और मैंने ऑर्डर कर लिया है। इसको हम लोग हर एक खाने के साथ, सैंडविच के साथ एंड स्टार्टर के साथ खाना पसंद करते हैं, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एंड सारे सॉसेस की जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी है, तो एक बार ट्राई करना, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। आप अपने बोरिंग फूड को ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो आई रियली होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।